हस्तरेखा पर हम अपने हस्तरेखा में यह देख सकते हैं कि हमारी विवाह रेखा है कि नहीं, हमारा विवाह एक होगा, दो होगा, तीन होगा। ये रेखाएं आपको बता दें बुध क्षेत्र में पाई जाती है। आपके हस्तरेखा के जो बुध क्षेत्र होता है वहाँ पर यह रेखा पाई जाती है। ये हथेली के किनारे से निकलकर, ये आपके हथेली के किनारे से निकलकर बुध क्षेत्र में आकर ठहर जाती है और वहाँ रुक जाती है। ये संख्या में एक अथवा अधिक भी हो सकती है। अगर एक होती है तो आपका एक विवाह होगा, दो होगा तो आपका दो विवाह होगा। यह रेखा हस्तरेखा इस चीज को दर्शाती है जो बुध क्षेत्र में पाई जाती है और हथेली के किनारे निकलकर बुध क्षेत्र में जाकर ठहर जाती है। आप भी अपने हाथ पर अपनी हस्तरेखा को देखिए कि आपके हाथ पे हस्तरेखा जो है वो बुध क्षेत्र में जाकर ठहर गई है। और यह भी देखिए यह जो विवाह रेखा है एक से अधिक भी हो सकती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर अपनी हस्तरेखा पर विवाह रेखा देखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे लाल बटन को जरूर दबाइए। ओम साई राम।